कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैदा की पापड़ी। पापड़ी बहुत ही क्रिस्पी होती है। इसका प्रयोग हम किसी भी चाट में, मटर की चाट हो, आलू की चाट हो, छोले की चाट हो, उसमें हम कर सकते हैं और इसको स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं। तो पापड़ी बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की आवश्यकता होगी, चलिए देख लेते हैं। ये मैंने 2 बड़े कप मैदा ली है। मेजरमेंट के हिसाब से ये 250 ग्राम है। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा कप रिफाइंड ऑयल, आधा चम्मच अजवाइन और ये मैंने आधा गिलास गुनगुना पानी लिया है। जो हम इसका डो तैयार करेंगे वो हल्के गुनगुने पानी से ही तैयार करेंगे। और ये कसूरी मेथी का प्रयोग ना करना चाहें, आपको इसका फ्लेवर ना पसंद हो तो आप ना भी करें। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डो तैयार करते हैं। इसमें हम रिफाइंड ऑयल, नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह से ये देखिए, हमने इसको हाथ से ऐसे रगड़ रगड़ के ये सारा जो ऑयल है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदा में। देखिए, अब इसमें हम ये जो कसूरी मेथी है इसको भी थोड़ा हल्के हाथ से रगड़ के ये भी डाल देंगे। अजवाइन को भी थोड़ा सा हम रगड़ के डाल देंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आएगी, अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको डो तैयार करेंगे। हमारा जो डो है ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, हमें एकदम बीच का डो लगा के तैयार करना है। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए तैयार करते हैं। देखिए, हमारा ये डो बन के तैयार हो गया है। देखिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है ना ही बहुत ये टाइट होना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा डो तैयार हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा हाथ पे रिफाइंड ऑयल लेके इसको अच्छे से दोबारा मसल के और इसको 10 मिनट के लिए अभी ढक के रख देंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने डो को दोबारा से थोड़ा सा और इसको मसल लेते हैं ऐसे ही, जिससे कि अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए। देखिए, डो एकदम सेट हो चुका है। तो चलिए अब पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। आज हम 2 डिजाइन में पापड़ी बनाएंगे तो डो को 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। और इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। इनको ऐसे पेड़े की तरह से बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने अपनी सारी लोई ये तैयार कर ली। इनको अच्छे से मसल के हमने ये पेड़ा बना लिए सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ा लेंगे,
इसको बेल लेते हैं। ये पूरी एक जैसी होनी चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा पतला इसको नहीं करना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूं, ये हमने इसको कर लिया। अब हम इसको ऐसे उठा के पूरा इसको डबल फोल्ड नहीं करना है। देखिए थोड़ी सी किनारी रह जाइए ऐसे। अब दूसरी साइड से ऐसे उठाएंगे और इसको थोड़ा देखिए ये हो गया। अब इसको ऐसे ही हम सारी अपनी तैयार करके प्लेट में लगा लेंगे। बीच में और किनारे पर एकदम आपकी एक सी बिली होनी चाहिए। जब आपका डो अच्छा तैयार होगा तो इसको बेलने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसको एक साइड से उठा के थोड़ी सी किनारी बची रहे ऐसे, फिर एक कोने से इसको उठा के थोड़ा सा बाहर की तरफ करके ऐसे ही हम अपनी एक डिजाइन की ये सारी तैयार कर लेंगे, फिर दूसरी डिजाइन की करेंगे। देखिए ये शेप की तो हमने सारी अपनी पापड़ी तैयार कर ली हैं। अब हम एक दूसरी शेप की और देखते हैं। अब हम ये गोल बनाएंगे। देखिए इसको ज्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए इसको बेलने के बाद एक फॉर्क की हेल्प से इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देना है जिससे कि पूरी पूरी की तरह से ना फूल जाए, नहीं तो फिर ये एकदम क्रिस्पी नहीं तैयार होगी। तो देखिए मैंने कैसे किया है, देखिए और देखिए इसको हल्का सा मोटा ही रखना है, लेकिन बीच में और किनारे पे आपको बिल्कुल एक जैसा करना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए फॉर्क की हेल्प से पूरी में थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देंगे जिससे कि फूलेगी नहीं। देखिए और एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारी अपनी गोल पापड़ी भी तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारी दोनों तरह की पापड़ी, ये हमने अच्छे से इनको बेल दिया है, दोनों तरह की पापड़ी तैयार हो गई हैं। अब चलिए इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इस पर हमने एक पैन रख लिया। जैसे ही पैन हमारा गर्म होगा इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। पापड़ी को हमें डीप फ्राई करना है तो थोड़ा सा ज्यादा ही रिफाइंड ऑयल डालना पड़ेगा। देखिए इसको गर्म होने देते हैं। देखिए बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देना है, ये हल्का गर्म हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे क्योंकि
क्योंकि हमें जो पापड़ी हैं मीडियम फ्लेम पर ही उनको तलना है, जिससे कि एकदम क्रिस्पी बनेंगी। तो एक एक करके इसमें हम डाल देते हैं। एक बार में 3 से 4 ही डालेंगे, जिससे कि आसानी से ये पलट जाए। देखिए ये ऊपर आ गई हैं, तो अब इनको पलट लेंगे और दूसरे साइड भी इनको सिकने देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, जिससे कि हमारी एकदम बढ़िया क्रिस्पी पापड़ी सिक के तैयार होंगी। देखिए पापड़ी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, ये सिक के तैयार हो गई है। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी ये सारी पापड़ी सेक के तैयार कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। देखिए ये हमारी सिक चुकी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से हम अपनी ये गोल पापड़ी सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। इसी तरह से आप गोल पापड़ी सेक के तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों डिजाइन की पापड़ी सेक के तैयार कर ली हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई हैं। तो आप इसको किसी भी चाट में यूज कर सकते हैं, स्नैक्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।